हेलो दोस्तों, हर एक प्रेग्नेंट महिला ये चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, बिना दर्द के हो, बिना किसी दिक्कत के हो। पर कई बार ऐसा होता है दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और यही कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और फिर आपको डॉक्टर सीजेरियन की सलाह देती है। आपको पता है दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती है? आपकी आदतों की वजह से नहीं होती है। कई बार आप ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिसे नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं हो पाते और फिर सीजेरियन डिलीवरी होती है। तो आज मैं ऐसी 10 आदतों को बताऊंगी। आपको ये जानना है कि क्या आप में भी ये आदत तो नहीं है? अगर आप में ये आदत है तो ये आदत आपको बदलनी होगी। अगर आप चाहती हैं कि आपका प्रसव सुरक्षित तरीके से हो, कोई दिक्कत नहीं हो तो। मुझे पता है दोस्तों, ऐसी कोई महिला नहीं है जो चाहती है कि उनकी डिलीवरी सही से नहीं हो। गर्भ में 9 महीने शिशु को पालना बहुत मुश्किल होता है, तो डिलीवरी के समय भी सब कुछ अच्छा से हो, इसके लिए आपको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप अपने घर में पल रहे शिशु के विकास के लिए काफी कुछ करती हैं। डॉक्टर से मिलती हैं, खान पान करती हैं, अपना व्यवहार ठीक करती हैं, पर कुछ गलतियां आप कर जाती हैं, इग्नोर करती हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो जान लेते हैं क्या गलतियां करती हैं। जरूरत से ज्यादा खाना खाना, यानी कि मोटापे को न्योता देना। गर्भावस्था के दौरान ओवरवेट हो जाए, ज्यादा वजन बढ़ जाए, मोटापा ज्यादा आ जाए, तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने देती। तो आपको ये गलतियां नहीं करना दोस्तों। अगर आप पहले से ओवरवेट हैं तो आपको ध्यान रखना है, मोटापा नहीं होने देना है, ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरी बात ये भी मैं बता देती हूँ दोस्तों, वजन में कमी भी नहीं होने देना है। अगर आपका वजन कम हो जाएगा, कमी हो जाएगी, आप खाना नहीं खाएंगी, आप कमजोर हो जाएंगी, तो इसकी भी वजह होती है दोस्तों कि आपकी डिलीवरी फिर नॉर्मल नहीं होगी। तो जरूरत से ज्यादा मोटा होना भी नहीं है और वजन भी कम नहीं करना है, यानी कि ओवरवेट भी नहीं करना है और अंडरवेट भी नहीं रहना है। कई सारे समस्याएं गर्भावस्था में होती है, चाहे वो पारिवारिक हो, मानसिक हो या आपके शारीरिक हो। उसके बाद टेंशन में आ जाती हैं महिलाएं। जब आप टेंशन में रहेंगी तो कई सारी बीमारियां घेर लेंगी, तो टेंशन नहीं होने देना है दोस्तों। जो महिलाएं टेंशन लेती हैं, सोचते रहती हैं डिलीवरी कैसे होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कई सारे समस्याओं से घिरने लगती हैं, वो टेंशन लेने लगती हैं, आपको ये नहीं करना है, टेंशन से दूर रहना। कई महिलाएं एक्टिव नहीं रहती हैं, टेंपर हो जाती हैं, उनको लगता है वो माँ बनने वाली हैं तो हमेशा सोए रहेंगी, काम नहीं करेंगी, ऐसा नहीं करना है। एक्टिव रहना है दोस्तों, छोटे मोटे काम भी करने हैं, घूमना फिरना भी है, अपना ध्यान भी रखना है, रूटीन भी सही करना है, पर डॉक्टर की सलाह से। अगर आपको डॉक्टर बोली है कि नहीं आपको आराम करना है, कोई दिक्कत है, तो आपको आराम करना है, पर ऐसे आप आराम नहीं करें अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। अगर आप अच्छे से डाइट नहीं लेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, ये गलती नहीं करना दोस्तों। आपको डाइट अच्छे से लेना है, समय से लेना है, बाहर की चीजों को नहीं खाना है, पौष्टिक युक्त आहार लेना है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये गलतियां नहीं करें कि डाइट अच्छा हो ही नहीं। कई महिलाएं पानी कम पीती हैं, पर ये भी नहीं करना, ये गलती भी भारी पड़ेगा। शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो शिशु के विकास में कमी हो जाएगी, डिलीवरी के समय दिक्कत आ जाएगी, एमनियोटिक फ्लूड की मात्रा में कमी आ जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे। तो पानी की कमी नहीं होने देना है, भरपूर मात्रा में पानी पीना है, तो ये गलती भी नहीं करें दोस्तों। नशीले पदार्थों का सेवन मैं मानती हूँ मैक्सिमम महिलाएं नहीं करती,
पर आजकल करने लगे हैं। आपको नहीं करना दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करना बिल्कुल मनाही होती है। नशीले पदार्थों के सेवन करने से आपकी डिलीवरी कभी नॉर्मल नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करना, उन चीजों का सेवन करना जिसमें कैफीन की मात्रा होती है, कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन करना आपको नहीं करना है दोस्तों। इन चीजों का सेवन ज्यादा, आप चाय सीमित मात्रा में पिए, कोल्ड ड्रिंक्स को भूल जाएं कुछ दिनों के लिए। कैफीन जिस चीज में है उसको आप नहीं लें, वो नॉर्मल डिलीवरी में बाधा बन जाएगी, तो इसका भी ध्यान रखना है। जरूरत से ज्यादा अगर आप सोती हैं, जल्दी उठती नहीं है, सुबह आप सोई रहती हैं, ये भी दिक्कत करेगा, तो ये गलतियां भी नहीं करनी है। समय से सोना है, समय से उठना है, अपने रूटीन में प्रॉपर तरीके से बदलाव करना है ताकि डिलीवरी के समय कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद लापरवाही करना, कई महिलाएं लापरवाही कर जाती हैं, ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा घूमते फिरती हैं। आपको नॉर्मल तरीके से करना है दोस्तों। भारी सामान नहीं उठाना, ज्यादा पैदल नहीं चलना। चाहे लापरवाही आपकी खान पान की हो, आपकी रूटीन की हो, वजन उठाने की हो, सीढ़ियां चढ़ने की हो, कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है दोस्तों। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इन बातों को अगर आप मान लेती हैं, समझ लेती हैं, 10 बातों को जान लेती हैं, तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। गलतियां नहीं करेंगी तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये करना है दोस्तों, ये 10 गलतियां आपको नहीं करना है अगर आप चाहती हैं नॉर्मल डिलीवरी हो तो। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।